स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी और साइंस की इस नई दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल की फैक्ट्री मशीन और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। नंबर एक, चेन मेकिंग मशीन। ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक चेन मेकिंग मशीन है। इस मशीन में सबसे पहले एक स्टील के मोटे वायर को लगातार इस मशीन में डाला जाता है। यहाँ ये मशीन इस वायर पर एक फिक्स लेंथ पर कटिंग मार्क लगाती जाती है। फिर जब ये वायर आगे पहुंचता है तो यहाँ इसे एक प्रेस से दबाकर इसे इसके नीचे वाली कड़ी से जोड़ दिया जाता है। ऐसे यह मशीन एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़कर इस पूरी चेन को तैयार करती जाती है। लेकिन यहाँ चेन की कड़ी के मुंह थोड़े खुले रह जाते हैं, इसलिए इन्हें आगे लगी एक और मशीन के नीचे से गुजारा जाता है। यहाँ इनकी कड़ी के मुंह को दबाकर पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद यह चेन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। नंबर दो, अमीको। ये एक शीट मेकिंग मशीन है जो कि घरों में लगने वाले टीन शेड की शीट को तैयार करने का काम करती है। इसमें सबसे पहले स्टील की एक स्ट्रेट शीट को एक वर्कर के द्वारा इस मशीन में फिक्स किया जाता है। शीट को मशीन में अच्छे से फिक्स करने के बाद इस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद ये स्टील शीट इसमें आगे लगे रोलर से होकर गुजरती है। इस मशीन में करीब 15 से 20 इस तरह के रोलर लगाए गए हैं, जिनमें लगा हर रोलर इस शीट पर एक लाइन बनाते जाता है। इस तरह से ये शीट इन सभी रोलर से गुजरते हुए एक परफेक्ट शेप में बदल दी जाती है, और इतने रोलर से गुजरने के बाद इस नॉर्मल सी शीट की स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है। तभी तो इन्हें रूफ शेड में इस्तेमाल किया जाता है। फिर फाइनली इन सभी रोलर से गुजरने के बाद जब ये शीट मशीन से बाहर आती है तो इस शीट को फिक्स लेंथ में काट कर आगे कलेक्ट कर लिया जाता है। नंबर तीन, ब्रीमैन मशीनरी। इस मशीनों का इस्तेमाल स्टील की मोटी मोटी प्लेट्स को राउंड और कर्व शेप देने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक लिफ्टिंग मशीन के जरिए स्टील की प्लेट्स को इन रोलर के बीच में प्लेस किया जाता है। फिर ये रोलर्स इस प्लेट्स पर प्रेशर डालते हुए इस प्लेट्स को पेंडुलम की तरह लेफ्ट राइट घुमाते जाते हैं। आपको बता दें कि इस मशीन में लगी इस प्लेट की मोटाई करीब 5 इंच है, जिसे ये मशीन इजीली घुमाते हुए राउंड सर्कल शेप देने की कोशिश कर रही है। काफी टाइम इन रोलर्स के बीच घूमने के बाद ये प्लेट धीरे धीरे राउंड सर्कल का शेप लेने लगती है। फिर एक वर्कर द्वारा इसके शेप का इंस्पेक्शन किया जाता है। अगर इसका शेप परफेक्टली राउंड रहता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती तो इसे बाहर निकालने के लिए इस मशीन के एक पार्ट को डाउन किया जाता है और एक लिफ्टिंग क्रेन की मदद से इसे मशीन से उतार लिया जाता है। इस तरह से इन सभी बड़े बड़े मशीनरी मेटालिक पार्ट्स को इस मशीन द्वारा बनाया जाता है। नंबर चार, वेसल हेड मेकिंग। वेसल हेड यानी कि बड़े बड़े प्रेशर हेड को बनाने के लिए स्टील की राउंड प्लेट को इन बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन के जरिए आकार दिया जाता है। इसमें सबसे पहले एक स्टील की राउंड प्लेट को एक लिफ्टिंग क्रेन से उठाकर हाइड्रोलिक मशीन के नीचे प्लेस किया जाता है। फिर हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के जरिए इस प्लेट के बीच वाले हिस्से को थोड़ा दबाया जाता है और फिर इसी तरह धीरे धीरे इसके किनारों को भी दबा दबा कर इसे कर्व शेप दे दिया जाता है। ये मशीन कितनी पावरफुल है इसका अंदाजा आप इसके काम को देखकर ही लगा सकते हैं कि किस तरह से ये मशीन इस मेटल प्लेट को इतनी आसानी से शेप देती जा रही है। फिर इस शीट को एक दूसरी मशीन पर रखकर इसके किनारों को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ा जाता है। इसके बाद ही ये वेसल हेड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। आपको बता दें कि ये वेसल हेड टैंक के दोनों तरफ लगने वाले वो राउंड हिस्से होते हैं, जिनकी मदद से इस टैंक को पैक करके एक प्रेशर वेसल का शेप तैयार किया जाता है। नंबर पांच, स्टील वायर रोप मेकिंग। स्टील वायर रोप बनाने के लिए सबसे पहले स्टील वायर के रोल लिए जाते हैं, फिर स्टील वायर रोल्स को एक मशीन में फिक्स किया जाता है। इस मशीन में इन वायर के 15 से 20 रोल फिक्स किए जाते हैं। अच्छे से ये रोल्स को इस मशीनरी पर फिक्स करने के बाद इस मशीन का रोटेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। ये मशीन इन सभी रोल्स को घुमाते हुए इनके वायर को आगे ज्वाइंट करके एक रोप का शेप देती जाती है। फिर इस रोप को फाइनली फिनिश देकर आगे इसके बड़े बड़े रोल बना लिए जाते हैं। इन स्टील वायर रोप्स की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। इन स्टील वायर रोप्स का इस्तेमाल माउंटेन केबल वे, चेयर लिफ्ट और अर्बन रोपवे से लेकर
बड़े बड़े ब्रिज और स्टेडियम्स के रूफ को बनाने में किया जाता है। नंबर 6, साम स्प्लाइस। ये एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जिसकी मदद से स्टील वायर रोप्स को एक सीलिंग यानी कि एक फंदे में बदला जाता है। इसमें सबसे पहले एक स्टील के टुकड़े को हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर फिक्स किया जाता है, फिर इसमें से स्टील वायर रोप को निकाला जाता है, फिर इस रोप के मुंह को वापस इसके अंदर से निकाल दिया जाता है, फिर इस मशीन को ऑन करके इस रोप के मुंह को दबाकर इसे यहीं लॉक किया जाता है। और कुछ स्टील वायर रोप्स इतनी मोटी होती है कि उन्हें हाथों से मोड़ना भी काफी मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से इस मशीन से ही मोड़ कर तैयार किया जाता है। फिर इस रोप के बीच में एक मेटल फ्रेम को लगाया जाता है और फिर इसे काफी सफाई से हाइड्रोलिक प्रेस से दबाकर इसे भी एक स्टील फ्रेम में लॉक कर दिया जाता है। इस तरह से बनी सीलिंग की मदद से बड़े बड़े लिफ्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। नंबर 7, इलेक्ट्रिक मोटर ब्रेकर। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर रिसाइकलिंग मशीन है। जब इलेक्ट्रिक मोटर पूरी तरह से खराब हो जाती है तो उसमें से कॉपर वायर को अलग करने के लिए सबसे पहले पूरी मोटर को एक कटिंग प्रेस के नीचे रखकर इसके आउटर कवर को हटा दिया जाता है। इसके बाद इस मोटर को फिर से इस कटिंग प्रेस के नीचे रखकर इसे बीच में से काट दिया जाता है, जिसके बाद ये मोटर दो टुकड़ों में टूट जाती है। इसके बाद इन टुकड़ों को एक एक करके एक स्पेशल मशीन के ऊपर फिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये मशीन इन कॉपर वायर को इनमें से इजीली अलग कर देती है। ये मशीन कॉपर वायर को अच्छे से पकड़ लेती है, जिसके बाद इसके एक हिस्से को ये मशीन पकड़कर ऊपर कर देती है। इससे इन मशीन के जरिए किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर से कॉपर वायर को अलग करके आसानी से रिसाइकल किया जाता है। नंबर 8, इको ग्रीन। ये एक काफी पावरफुल मशीन है जो कि वेस्ट टायर्स को रिसाइकल करने का काम करती है। इस मशीन में वेस्ट टायर्स को एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इस श्रेडिंग मशीन में डाला जाता है, जिसके बाद इसमें लगा श्रेडर इन टायर को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। इस मशीन की पावर का अंदाजा आप इसे देख कर ही लगा सकते हैं कि कितनी आसानी से यह मशीन रबर के इन टायर्स को इजीली काटते जा रही है और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलती जा रही है। इस श्रेडिंग मशीन एक घंटे में 12 टन टायर्स के छोटे छोटे टुकड़े कर सकती है। नंबर 9, स्टील बार ट्विस्टर। ये भी काफी कमाल की मशीन है जो कि स्टील बार को मोड़कर उन्हें डिजाइन देने का काम करती है। इस मशीन को मैन्युअली हाथ से ऑपरेट किया जाता है। इसमें सबसे पहले स्टील बार के शेप का होल्डर लगाया जाता है और फिर इस होल्डर में स्टील बार को फिक्स करके इसके स्क्रू को अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। फिर जब इस मशीन को घुमाया जाता है तो ये स्टील बार को एक धागे की तरह इजीली मोड़ती जाती है। इसी तरह से इस मशीन में अलग अलग होल्डर लगाकर अलग अलग स्टील बार को मोड़ा जा सकता है और इसमें एक अलग तरह का होल्डर लगाकर 4 स्टील बार को एक साथ मोड़कर और भी स्पेशल डिजाइन बनाई जा सकती है। नंबर 10, ड्राइव चेन मेकिंग। इस तरह की बड़ी बड़ी भारी भरकम ड्राइव चेन को भी फैक्ट्रीज में वर्कर द्वारा हाथों से ही बनाया जाता है। यहाँ इनके एक एक पार्ट्स को हाथों से असेंबल किया जाता है। इसमें सबसे पहले इनके मेन रोड को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, फिर इन पर चेन की कड़ी वाले हिस्सों को लगाया जाता है और एक एक कड़ी को सभी रोड्स में डालने के बाद इस पर ब्रश की मदद से ग्रीस भी लगाई जाती है और फिर इनमें एक एक वाइसर डालकर इसमें एक एक कड़ी और डाल दी जाती है। इसमें वाइसर डालने से चेन का मूवमेंट काफी इजी हो जाता है। इस तरह से हर बार ग्रीस लगाकर इसमें एक वाइसर और एक कड़ी डाल दी जाती है। ऐसे ही इसमें 4 कड़ी एक साइड में डाली जाती है, फिर फाइनली इसके ऊपर एक छोटी सी रिंग लगाई जाती है। इस रिंग को एंड में लगाकर इनके मुंह को दबाकर इस चेन को लॉक कर दिया जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस रोड के दोनों तरफ दोहराई जाती है और इसके बाद ही भारी भरकम चेन बनकर तैयार हो जाती है। फिर इस चेन को ट्रक में लोड करके आगे भेज दिया जाता है। इन बड़ी बड़ी चेन ड्राइव का इस्तेमाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े मशीनी पार्ट्स को ड्राइव करने के लिए किया जाता है। नंबर 11, एक्रेलिक बेंडिंग मशीन। ये एक प्लास्टिक शीट बेंडिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक शीट्स को बेंड करने के लिए किया जाता है। इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए इसमें हीटिंग टेम्परेचर को सेट करके इसकी हीटिंग गैप को एडजस्ट किया जाता है, फिर इस पर एक प्लास्टिक शीट को रख कर उसके गर्म होने का वेट किया जाता है। इस मशीन में एक एडजस्टेबल एंगल प्लेटफॉर्म भी लगा होता है जिस पर शीट को गर्म होने के बाद एक पर्टिकुलर एंगल पर मोड़ दिया जाता है। इस तरह से इस मशीन की मदद से प्लास्टिक शीट्स को गर्म करके अलग अलग डिजाइन और एंगल पर मोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों,
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।